सुजानपुर के विधायक ने फेसबुक के कमेंट से भड़क कर पुलिस थाना में युवक को थप्पड़ जड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हमीरपुर में राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा और मुझोक सुल्तानी के उप प्रधान बुद्धि सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में सुजानपुर बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर पर दबंगई के आरोप लगाए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने विधायक नरेंद्र ठाकुर पर दबंगई का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नदौन बीजेपी विधायक विजय अग्निहोत्री ने एसएचओ से धक्का मुक्की की और अब 10 दिनों के भीतर ही पुलिस थाना के अंदर युवक को थप्पड़ जड़ दिए गए। राणा ने कहा कि बीजेपी विधायक लोगों को डराने धमकाने पर लगे हुए हैं, जिसकी घोर निंदा की जा रही है। दो तरह की चीजें नजर आ रही हैं कि पहले तो नदौन में माननीय मुख्यमंत्री का पुतला जिस तरीके से वहां पर लोग जला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेतृत्व में, और विधायक के नेतृत्व में जितने लोग वहां आए थे वहां पर जो झगड़ा हुआ और विधायक ने जिस तरीके से दबंगई वहां पर करी, उनके साथियों ने दबंगई करी, उसमें कहा गया कि 2 महीने के बाद हमारी सरकार आने वाली, हम देख लेंगे। और दूसरी घटना जो है पिछली गत शाम को जो है 6 बजे हमीरपुर पुलिस स्टेशन जो है सदर का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर यहां के सुजानपुर के विधायक कंप्लेंट करते हैं, वहां एक नौजवान जो है राहुल चौधरी उसको बुलाया जाता है कि आपने जो फेसबुक पर गलत पोस्ट किया है, और आते ही जैसे ही मेरे साथ खड़े हैं बुद्धि सिंह जो कि उस पंचायत के उप प्रधान है, इनके समक्ष घटना घटती है और वहां पर जो है उसको आते ही विधायक जो है थप्पड़ जड़ देते हैं, पुलिस स्टेशन में जड़ देते हैं और बाद में उस पर दबाव बनाकर उसमें समझौता लिखाया जाता है, समझौता किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो दबंगई की जा रही है, या तो ये घबराए हुए हैं या लोगों को डरा कर धमका कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं और हम ऐसा कर देंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो शांतिप्रिय लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, और इस तरीका की जो गुंडागर्दी है वो लोग पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी जो घटनाएं हैं, अगर चुने हुए लोग ऐसी वारदात करेंगे, ऐसी घटनाएं करेंगे, ऐसे बातों को अंजाम देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े निंदा का कोई विषय नहीं हो सकता। मुझोक सुल्तानी के उप प्रधान बुद्धि सिंह ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि विधायक के खिलाफ कमेंट के बाद पंचायत के ही एक युवक राहुल चौधरी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और जैसे ही विधायक नरेंद्र ठाकुर थाना में पहुंचते हैं तो आते ही थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह लोकतंत्र में गुंडागर्दी बनाने से युवक के साथ लोग भी खौफ में जी रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को जो है वो थाना प्रभारी का नीचे से फोन आता है पुलिस स्टेशन से, कैसे ऐसे आपकी पोस्ट पे किसी ने विधायक नरेंद्र ठाकुर जी के जो कमेंट कर दिया है गलत, तो मैं उनको जो है वो नीचे पुलिस स्टेशन लेके आता हूँ एज ए पंचायत प्रतिनिधि। तो जैसे ही हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं हमारी एसएचओ साहब से बात होती है, वैसे उसी समय जो है हमारे विधायक जी नरेंद्र ठाकुर जी वहां आते हैं और सीधा जो है वो राहुल को जो है वो थप्पड़ मार देते हैं, और उस साथ में मैं भी वहां पे था और मेरे को बोलते हैं आप तू क्यों आया, तू बॉडीगार्ड है। मैंने बोला सर मैं तो एक पंचायत प्रतिनिधि के नाते इसके साथ आया हूँ। बोलते हैं आपने गुंडागर्दी कर रखी है, आप गन मैन हो इसके। फिर ऐसी हमारी आपस में बात होती रही और ऐसा थोड़ी देर में जो है जैसे थप्पड़ मारा तो पुलिस जो एसएचओ है उन्होंने उनको हटा दिया और कुछ टाइम बाद जो मामला शांत हो गया। तो ऐसे ही जैसे जिस तरह से जो लड़का भी जो है इस तरह से सहमा हुआ है, जो डरा हुआ है, और सुबह जब मैंने उसको कॉल की तो वो फोन भी उसका नहीं लग रहा था और घर जब मैंने पता किया तो वो घर में भी नहीं है। तो इससे ये तो बहुत ही खौफनाक सा माहौल जो है वो बन गया है और इसमें जो है एक लोकतंत्र की हत्या है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है हम जो है अभी धरना इसके खिलाफ, विधायक के खिलाफ जो है वो नीचे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और अपनी जो है वो कंप्लेंट भी हम जो है वो करेंगे। गौरतलब है कि फेसबुक पर सुजानपुर का MLA राजेंद्र राणा या नरेंद्र ठाकुर होगा, जिस पर युवक राहुल चौधरी ने कुछ कमेंट करने पर विधायक साहब भड़क गए और पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। बाद में पुलिस थाना आकर युवक को थप्पड़ मार दिए, जिससे अब मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। वहीं सुजानपुर की भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सिरे से निकालते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कांग्रेसी नेता बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमेंट के बाद युवक द्वारा फेसबुक पर माफी भी मांगी गई है। सच्चाई इसमें ये है कि राहुल नाम का कोई लड़का जिसने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट जारी की जिसमें मुझे बहुत बेहुदा कमेंट्स किए थे, जैसे मेरी नॉलेज में ये बात आई मैंने सदर
SHO को इसके बारे में कंप्लेंट की कि भाई कोई ऐसा आदमी है जिसने ऐसी बेहुदा पोस्ट डाली हुई है और उसको थाने में बुलाओ और पूछो उसको। मेरी कंप्लेंट पर उन्होंने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसने वहां पर अपनी गलती मानी, मानी ने राइटिंग गलती मानी कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके अलावा वहां सदर थाना में या बाहर उसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। ये जो जिसने पोस्ट डाली है और जो उसके साथ कोई व्यक्ति था, ये दोनों ही जो आपदा प्रबंधन का जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, ये इसके खास आदमी है और इसको खाम खा इसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पोस्ट भी इन्हीं की इंटेंशन की वजह से, इन्हीं की सहमति की वजह से डाली गई है ताकि मुझे पब्लिकली डिफेम किया जाए। इसलिए क्लियर कट डिफेमेशन का केस बनता है। जो उन्होंने प्रेस में कहा है ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बेस्ट पर्सन जो है थाने वाले में जाए सच्चो के हम जो कमरे में बैठे थे वो लोग भाई, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई है। इसके अलावा फिर भी ये इसको पब्लिकलाइज कर रहे हैं, ये सारे का सारा एक षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। इनफैक्ट उसने इन राइटिंग अपनी गलती मान के उसको आइंदा ना दोहराने की बात भी कही है। इसके बावजूद वो उसको फिर जबरदस्ती उस बात उसको व्यक्ति को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति मना कर रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ये सारा काम का एक राजनीतिक एक करने के लिए, इस इशू को राजनीतिक बनाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई घटना हुई नहीं है। SHO ने स्पष्टीकरण दे दिया है। और ये जो कह रहा है आपदा प्रबंधन वाला, मैं समझता हूँ कि ये जो है सारी साजिश है ये, और जो उसके साथ दूसरा जो बैठा है वो इसका खास में खास आदमी है, जिसके साथ जो पर्सनल आदमी जो इन्वॉल्व है वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये थर्ड आदमी जो है, थर्ड पर्सन जो है, हु आर दे, उनको किसने ऑथराइज किया ये, ठीक है। इसलिए ये सारे का सारा जो है ये इसको पोलिटिकलाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इसका जो है जो भी है इनका इसका इंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा ये कहते हैं और ऐसे इन्होंने कहा है तो इसका वो मैं डेफिनेशन सूट फाइल करके कोर्ट में देखूंगा। इसका क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, एक क्रिमिनल डेफिनेशन बनता है, एक सिविल डैमेज का केस बनता है इनके ऊपर। और ये दोनों केस जो है, अगर इन्होंने ये बात कही है पब्लिक में तो मैं करने जा रहा हूँ।